हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की बगिया में। फ्रेंड्स, ये कटिंग से लगा हुआ हिबिस्कस है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये हाइब्रिड है, रेड कलर के फूल आते हैं, मल्टी पेटल इसके फ्लावर आते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मैंने इसको कटिंग से लगाया हुआ था, जब कटिंग लग गई थी और मैंने इसको रिपोर्टिंग की थी तो वीडियो मैंने डाली हुई है। अभी प्लांट हमारा काफ़ी स्वस्थ है और बहुत ही अच्छी तरह से ये चल रहा है। नई नई पत्तियों के साथ इसकी नई ग्रोथ हो रही है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आज मैं इसकी थोड़ी केयर करने वाली हूँ और मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि यदि कटिंग से आप किसी भी प्लांट को अपने गार्डन में लगाते हैं तो उसकी किस तरह से केयर करते हैं, और ताकि वो आने वाले सीज़न में अच्छी फ्लावरिंग कर सके और प्लांट भी काफ़ी घना और बुशी हो। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक प्लांट है और ये अभी से लेकर के, यानी रेनी सीज़न से लेकर के और पूरे विंटर इनमें फ्लावर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत हिबिस्कस है। हालांकि विंटर में हिबिस्कस डोरमेंसी में होते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड हिबिस्कस है और इसमें विंटर में बहुत ही अच्छे फूल फ्लावर आते हैं। और शायद मुझे लगते हैं कि आज ये इस पोजीशन पे है और आने वाले समय में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी, इसीलिए से मैं इसको थोड़ा सा केयर कर रही हूँ। यही मैं आज वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं इस कटिंग से लगे हुए हिबिस्कस की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं और कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करें। ये रेनी सीज़न है और रेनी सीज़न में प्लांट अच्छी ग्रोथ पर रहते हैं। अगर आपने कोई कटिंग लगाई हुई है और उसकी ग्रोथ हो रही है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा सा एक पॉट दे सकते हैं। पॉट देने के बाद उसकी क्या ग्रोथ होती है वो उस पर डिपेंड करता है। और अभी आप देख सकते हैं इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो रही है और बहुत ही अच्छी तरह से ब्रांचेज आ रही हैं। बहुत ही लंबा हो गया था, मैंने इसको यहाँ से अभी प्रून किया है, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा था, मैंने काटा हुआ है और काटते समय मैंने ध्यान नहीं दिया और पहले ही काट दिया है, उसके बाद मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो अगर आपका प्लांट किसी भी तरह लैगी हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा प्रून कर सकते हैं। इसकी ब्रांच बहुत लंबी हो गई थी और इसलिए से मैंने इसको काटा हुआ है। अभी इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं काफ़ी मॉइस्ट है और मैं इसमें गुड़ाई करने वाली हूँ। गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। इस रेनी सीज़न में आप थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर डाल सकते हैं ताकि आपके प्लांट में किसी भी तरह के फंगस ना लगें। तो चलिए इसको गुड़ाई कर लेते हैं। और गुड़ाई जब भी आप करें प्लांट से थोड़ा दूर करें ताकि प्लांट आपका किसी भी तरह से डैमेज ना हो, बहुत ही संभाल करके आप गुड़ाई करें। थोड़ी सी मिट्टी नीचे से लेकर के और तभी गुड़ाई करें, और प्लांट से हट करके गुड़ाई करें। उसकी रूट्स कटनी चाहिए और थोड़ा सा मॉइस्चर जो इसमें है वो थोड़ा सा सूखेगा, क्योंकि इस समय रेनी सीज़न में बहुत ही पॉट में पानी हो जा रहा है, इस वजह से मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है। तो इस तरह से आप गुड़ाई कर सकते हैं। बारिशें हो रही हैं इसलिए से पानी की तो विशेष ज़रूरत नहीं पड़ रही है। रेनी सीज़न में तो पॉट में उस काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया है और आप उसको समय समय से थोड़ा देखभाल करते रहिए, आपके पॉट में पानी नहीं लगना चाहिए। और देखिए मैंने थोड़ा सा साफ़ का फंजीसाइड पाउडर इसमें मिलाया हुआ है, इस तरह से आप थोड़ा सा साफ़ का फंजीसाइड मिला दें और ताकि इसमें किसी भी तरह के कोई फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि इस रेनी सीज़न में प्लांट में काफ़ी फंगस लगते हैं। मैं अपने सभी प्लांट्स में इसी तरह से देती हूँ और सभी में अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप साफ़ का फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किसी भी तरह का फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये साफ़ का लिया हुआ है और मैं साफ़ का ही फंजीसाइड अपने प्लांट्स में ऐड करती हूँ। और इसके लिए अब मैं फर्टिलाइज़र दूंगी, और फर्टिलाइज़र है ये कुछ दाने हैं DAP के, और इन दानों को मैं इन पॉट में डालूंगी। और जब भी किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र आप दें तो प्लांट से थोड़ा हट करके दें ताकि प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और जिस तरह से ये फर्टिलाइज़र आप डालें तो दूर डालें, और जब इसमें आप पानी देंगे तो ये धीरे धीरे फर्टिलाइज़ हो जाएंगे और आपके हिबिस्कस में अच्छी ग्रोथ होगी। मैंने डाल दिया है और डालने के बाद में थोड़ा सा मैं इसको गुड़ाई कर देती हूँ ताकि इसमें जो भी मैंने फर्टिलाइज़र डाला है वो अच्छी तरह से मिट्टी में नीचे दब जाए। और अभी तो पॉट में नमी है, अगर पॉट में
मिट्टी सूखी हो तो आप पानी डाल सकते हैं, और अभी तो मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है इसलिए से मैं इसको पानी नहीं दे रही हूँ, और मौसम भी बहुत ही अच्छा है, हो सकता है रात में बारिश हो, तो इसी तरह से आप अपने हिबिस्कस की अच्छी केयर कर सकते हैं। और अभी मुझे इसके फ्लावर का इंतज़ार है और देखती हूँ किस तरह से इसके फ्लावर आते हैं। तो यदि प्लांट आपका किसी भी तरह लैगी हो रहा है तो आप उसको प्रून कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया है, और अब इसमें जब नई शूट्स आएंगी तो अच्छी ऊपर की तरफ निकलेंगी, और प्लांट हमारा काफ़ी अच्छा है, और मैंने इसमें फंजीसाइड भी मिलाया हुआ है और मैंने थोड़ा फर्टिलाइज़र दिया है, अभी प्लांट की हमारी ग्रोथ अच्छी होने वाली है। तो इसी तरह से आप हिबिस्कस की केयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।